बताइए ना अंकल, मम्मी कब आएगी? आ जाएंगे बेटा, वो बाजार गई है ना बेटा, आ जाएंगे। पर मम्मी तो दो दिन से गई है, कोई दो दिन तक बाजार जाता है क्या? पापा भी नहीं आया अभी तक, बोली ना अंकल। तुम लोग घबराओ मत बेटा, मैं हूँ ना यहाँ तुम लोगों के पास। तुम्हारे पापा मुझे बैठा के गए ना तुम लोगों के पास, हा? तुम्हारी मम्मी भी आ जाएंगे, तुम्हारे पापा भी आ जाएंगे, ठीक है? और थोड़ी देर पहले मैंने ऑफिस में तुम्हारे पापा से फोन पे बात भी की है, बस वो आते ही होंगे बेटा। ये लो आ गए तुम्हारे पापा। बच्चे काफी देर से आपको पूछ रहे थे। आई वाज रियली रनिंग आउट ऑफ आइडियाज। थैंक यू, थैंक्स। वेलकम। अच्छा मैं चलता हूँ, अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो बेझिझक आप मुझे याद कीजिएगा, ओके? चलो बेटा, बाय बाय। बाय बाय बेटे। पापा आप इतने लेट क्यों हो गए, और मम्मी भी नहीं आई अभी तक। पापा मम्मी कहाँ गई है? आ जाएगी बेटा मम्मी, आ जाएगी। पर मम्मी हो गए हुए तो दो दिन हो गए हैं। वो बेटा वो शीला आंटी की यहाँ गई है, उनकी तबीयत खराब है ना इसलिए। पर मम्मी ने अभी तक फोन भी नहीं किया। मैं कह दूंगा मम्मी से कि फोन करके तुम दोनों से बात कर लो। आप सच्ची कह रहे हैं ना पापा? हाँ सच्ची। पर वेंकट अंकल तो कह रहे थे कि मम्मी बाजार गई है। वो हम सबको तो नहीं बता सकते ना कि मम्मी शीला आंटी की यहाँ पे गई है, उनकी तबीयत खराब है इसलिए। तो अच्छा तुम दोनों ने कुछ खा लिया? होमवर्क पूरा किया? तो भागो पहले होमवर्क पूरा कर लो, ओके? मैं यहीं पे हूँ, मैं हूँ यहाँ पे, मैं हूँ। ये बहू अभी अभी मंदिर गई है और अभी वापस भी आ गई इतनी जल्दी। अरे विनोद, आ आ अंदर आ, बैठ ना। रघु तो ऑफिस गया है, तू बैठ, आ जा। तू विदेश चला गया था ना, कब लौटा? नानी यही कोई 15-16 दिन हुए। अच्छा? रोज प्लान करता था कि आप लोगों से आकर मिलूं। हाँ। मगर मौका ही नहीं मिलता था। अच्छा, अच्छा। आज मिला तो फौरन मिलने चलाया। तू तो अब बहुत बड़ा प्रोफेसर बन गया होगा, हाँ? तो तेरा भूत प्रेतों वाला चक्कर अभी भी चालू है कि खत्म कर दिया उसे? अरे नानी उसी पर अभी भी रिसर्च कर रहा हूँ। हाँ। मैंने ESP यानी एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन डेवलप किया है और उसी पर रिसर्च कर रहा हूँ, यानी सुपर नेचुरल पावर और भूत प्रेत को मैं अपने वश में कर सकता हूँ। अच्छा? आपकी बहू कहाँ गई? वो मंदिर गई है। क्या हुआ? नानी आपके घर में कुछ है? आपने अपनी बहू का नाम क्या बताया था? राधिका। राधिका से कहिएगा कि वो सावधान रहे। ये अच्छा हुआ कि मैं आज इधर आ गया, और क्योंकि मैं इस पर रिसर्च करता हूं इसलिए मैं आपको बता सकता हूं। अच्छा मैं चलता हूं, नमस्ते। हर रोज वही खून खराबा और धोखा दही की खबरें। आजादी के बाद कितना बदल गया है ये देश। आजादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने वालों ने ऐसे भारत की कल्पना तो हरगिज नहीं की होगी। गोपाल जी, आपके आदर्शों और उसूलों की आज भी मिसाल दी जाती है। सच्चाई की जिस बुनियाद पर आपने आदर्शों का ये महल खड़ा किया है, आज वही महल डगमगा रहा है।
उसकी नींव हिल रही और वो किसी भी दिन रेत के महल की तरह गिर जाएगी। सारी जिंदगी आपने दौलत नहीं, लोगों की इज्जत कमाई। आज तक आपके नाम पर किसी ने उंगली नहीं उठाई। ये आज आपने अपने परिवार की सच्चाई और ईमानदारी की जो पाठ पढ़ाया था, उसकी परीक्षा है। मजबूरी नाम की दीमक धीरे धीरे आपकी नींव को खोखला कर रही है। आप ही के आंगन का एक फूल लोगों के हाथों की कठपुतली बना हुआ है, उसकी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। इससे पहले कि कोई अनहोनी हो जाए और सबको पछताना पड़े, कुछ कीजिए वरना बहुत देर हो जाएगी। आपका शुभ चिंतक मसीहा। शुभ चिंतक कौन हो सकता है? किसने भेजा होगा ये खत? मेरे आंगन का फूल किसके बारे में लिखा उसने? कौन है जो इस घर की परंपराओं और मर्यादाओं को भूल रहा है, आदर्शों को भुला रहा है? क्या बुढ़ापे में ऐसा कुछ देखना भी लिखा है मेरी तकलीफ में? काश वो जो कोई भी होता, सामने आकर दो टूक बात करता और सब कुछ सच सच बता जाता। तुमने ठीक नहीं किया। ठीक नहीं किया? मैंने क्या किया है? वो किसी और का हो ही नहीं सकता। वो? तुम किसकी बात कर रही हो? वो जो सिर्फ मेरा है, रघु, रघु परम। रघु? तुम रघु को कैसे जानती हो? क्योंकि वो सिर्फ मेरा है, किसी और का हो ही नहीं सकता। तुम होश में तो हो? होश में हूँ, तभी तो कह रही हूँ वो किसी और का हो ही नहीं सकता। वो तो सिर्फ मेरा है। तुम लाख कोशिश कर लो, मैं उसे अपना बनाकर रहूंगी, देख लेना। इस वक्त तुम यहाँ ऑफिस नहीं गए? नहीं, मैंने ऑफिस से छुट्टी ली। अच्छा नहीं लगता तुम हॉस्पिटल में हो और मैं ऑफिस में, मेरा मन नहीं लगता। बार बार तुम्हारा ख्याल आता रहता है। तुम कितने अच्छे हो। क्या बात है,
परेशान नजर आ रही है। नहीं नहीं बस कुछ नहीं, मतलब अब ये फिक्र लगी रहती है कि तुम घर कब लौटोगी। मैं भी यही सोच रही थी कि कब इस कैद से छुटकारा मिलेगा। बंटी और पिंकी कैसे हैं? अच्छे, बस तुम्हें बार बार याद करते रहते हैं। उन्हें पता है मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ? नहीं नहीं, मैंने उनसे कह दिया कि तुम शीला आंटी के यहाँ पे गई, उनकी तबीयत खराब है और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। कितना ख्याल रखते हो तुम हर चीज का। क्या सोच रही हो? मैं कितनी खुशनसीब हूँ जो मुझे तुम्हारे जैसा प्यार करने वाला पति मिला। इस दुनिया में बहुत कम बीवियां होंगी इतनी तकदीर वाली। सच, तुम वाकई बहुत किस्मत वाली हो सपना, जो तुम्हें ऐसा पति मिला। मजा आ गया सिना, मजा आ गया। ये खत आंचल को उसकी औकात दिखा। सुना, ये केस तो 100% खारिज हो गया समझो। ये एक ही खत था जो तुमको और मुझको फंसा सकता था। वाकई सिद्धार्थ ने बेवकूफी की, लेकिन माला ने आंचल से खत उड़वा के बड़ा अच्छा काम कर दिया। वाकई वाकई सिंगल साहब, माला ने का सॉलिड चाल चली। सिंगल साहब, हम तो कहते हैं कि जो माला है का साटी दिमाग भाई। सिंगल साहब, समझ दीजिए कि माला हमको लगता है कि हम लोग का जो काम है उसमें अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते। मेरा काम तो मैं संभालूंगा सिन्हा, लेकिन माला ने जो आंचल के मामले में हमारा मदद किया उससे हमारा काम और भी आसान। एक बार ये केस निपट जाने दो, फिर ये आंचल की बच्ची को मैं देखूंगा। सारा घूर टूट गया उसका। और क्या नाम है इसका? किट्टू। किट्टू की तो खैर नहीं सिना। ये इज्जत और संस्कार का ढोल पीटने वाला समाज जो है ना, वो किट्टू को जिंदा रहने नहीं देगा। खैर, तुम अपने काम में लग जाओ। कौन सा? ये अपना। अरे घर जो गिरवी है तुम्हारे पास। सिंगल साहब, एक काम तो होते रहेगा, जल्दी ये होगा, लेकिन सबसे पहला काम होगा कि जश्न मनाएंगे, ईद का दशन। और वो क्या कहते हैं उसका, क्या नाम है आंचल, उसके बर्बादी का जश्न। सिंगल साहब, कोर्ट में जीतने से पहले जब हम जश्न मना लेंगे, तो वहाँ जब जीतेंगे वो जो जश्न मनाएंगे खूब शानदार होगा। ये बात तो ठीक है, आता हूँ मैं। कहाँ चले? सिना, बहुत बढ़िया विस्की आया, ले आता हूँ। अरे तो रुकिए, हम भी चलते हैं सेवन करने के लिए। चिट्ठी भेजने का आखिर मतलब क्या है? जिस किसी ने ये चिट्ठी भेजी उसका कहने का मतलब शायद ये है कि हमारे घर का ही कोई सदस्य किसी मजबूरी या दबाव में आकर अपने आदर्शों का गला घोट रहा है। लेकिन कौन हो सकता है वो? और आखिर ऐसी भी क्या मजबूरी जो बाहर वालों को पता है और घर वाले उससे पूरी तरह बेखबर हैं? कहीं ऐसा तो नहीं हम घर वाले ही उसकी मजबूरी का कारण है? राहुल बेटा। जी डैड। एक मिनट यहां आओ। बैठो। कैसे हो? ठीक हो? तुम्हारा केस कैसे चल रहा है? ठीक चल रहा है, बढ़िया। मुझे लगता है कि शायद मैं जीतने ही वाला हूं। अगर जीतने के चांसेस हैं तो तुम्हारे चेहरे पर खुशी क्यों नहीं?
मुझे भी अंदर ही अंदर उस खुशी का एहसास क्यों नहीं हो रहा? क्या बात है बेटा? मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं तुम बहुत परेशान हो। कोई ना कोई चीज है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है। नहीं डैड, ऐसी कोई बात नहीं है। बस केस की चिंता, मेरा पहला केस है। वैसे मुझे तो आपका चेहरा देख के ऐसा लग रहा है जैसे आपके अंदर कोई बात है जो आपको खाई जा रही है। नहीं बेटा, ऐसे ही कभी कभी डर सा लगता है। जिंदगी भर सर उठाकर जिया हूं ना, उम्र के इस आखिरी पड़ाव में मैं नहीं चाहता मुझसे कोई ऐसी गलती हो जिससे शर्मिंदगी उठानी पड़े। जीवन भर सच्चाई की राह पर चला हूं, कभी सच्चाई का दामन नहीं छोड़ा। अपने बच्चों को भी यही शिक्षा दी। हमारे पूरे घर वाले मेरे इसी आदर्श पर चलते। अब इस घर की जिम्मेदारियां तुम पर आ गई और मैं चाहता हूं अपने बड़े भाइयों की तरह तुम भी हमेशा सच का साथ दो। कोई भी मजबूरी, कैसा भी दबाव क्यों ना आए, सच का साथ मत छोड़ना बेटा। सच की राह कठिन होती है लेकिन उसका फल हमेशा मीठा होता है। और अगर कहीं तुम इस राह से भटक गए तो मैं दोष तुम्हें नहीं दूंगा, अपने आप को दूंगा। तो शायद मेरी शिक्षा, मेरी परवरिश में ही कोई कमी रह गई, वरना संस्कार तो इस घर में बच्चों को अच्छे ही मिले हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.